कनिंघम व अन्य विद्वानों और इतिहासकारों ने संकिसा व कंपिल के महत्व का दस्तावेजीकरण किया है, लेकिन आज संकिसा की पहचान भगवान बुद्ध के स्वर्ग से अवतरित होने वाले एक आदर्श स्थल से की जाती है। भगवान बुद्ध स्वर्ग से अवतरित हुए थे वास्तव में कथन समझ से परे है, अतः हमने इसका उत्तर लेखों में पढ़ जानने की कोशिश की तो पता चला। हिंदू धर्म में भगवान विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मिलता है। भगवान बुद्ध 9वें अवतार हैं, लेकिन गौतम बुद्ध और भगवान बुद्ध एक नहीं है। गौतम बुद्ध शुद्धोदन व माया के पुत्र थे। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोदन तथा माता का नाम माया देवी है, जबकि भगवान बुद्ध की माता का नाम अंजना था और पिता का नाम हिमसदन, और उनका जन्म बिहार के गया में हुआ था। कठिन तपस्या के बाद जब उन्हें तत्वानुभूति हुई तो वे बुद्ध कहलाए। यही भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार हैं। ललित विस्तार ग्रंथ के 21वें अध्याय के 178 पृष्ठ पर बताया गया है कि यह मात्र संयोग ही है कि गौतम बुद्ध ने उसी स्थान पर तपस्या की थी जिस स्थान पर भगवान बुद्ध ने तपस्या करने की लीला। यही कारण है कि लोगों ने दोनों को एक ही मान लिया। जर्मन के वरिष्ठ स्कॉलर मैक्स मुलर जी के अनुसार गौतम बुद्ध कपिलावस्तु की लुम्बिनी के वनों में 477 ईपू में जन्मे थे। संकिसा को बौद्ध सकिल में लाकर इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की बात की जाती रही है, लेकिन अभी इस पर बहुत काम होना बाकी है। संकिसा में प्रतिवर्ष 56 देशों के बौद्ध भ्रमणकारी आते हैं। दलाई लामा यहां 3 बार भ्रमण पर आ चुके हैं। संकिसा का उल्लेख महाभारत में भी किया गया है। यह नगर पांचाल की राजधानी कांपिल्य से अधिक दूर नहीं है। महाजनपद युग में संकिसा पांचाल जनपद का प्रसिद्ध नगर था। बौद्ध ग्रंथों में इस नगर की गणना उस समय के 20 प्रमुख नगरों में की गई है। प्राचीन काल में यह नगर निश्चय ही काफी बड़ा रहा होगा, क्योंकि इसकी नगर भित्ति के अवशेष जो आज भी हैं लगभग 6.4 किलोमीटर की परिधि में पाए जाते हैं। अभी हाल ही में बुद्ध की यह मूर्ति सड़क बनाने हेतु खुदाई में प्राप्त हुई है। म्यांमार, जापान, वियतनाम, श्रीलंका आदि देशों ने यहां अपने यात्रियों की सुविधा हेतु अच्छे प्रबंध किए हैं। ये बिसारी देवी का मंदिर है जो 455/303 मीटर के पवित्र स्तूप पर स्थित है। पुरातत्व विभाग को यहाँ खुदाई कर पुनः स्तूप निर्माण कराना चाहिए। सम्राट अशोक भी यहाँ भ्रमण पर आए थे। शेर के बदले हाथी वाला ये स्तंभ सम्राट अशोक ने बनवाया था। पर्यटकों के लिए ये आकर्षण का केंद्र है। कुछ वर्ष पहले हुई खुदाई से प्राप्त शिवलिंग हिंदू धार्मिक भक्तों को भी आकर्षित करता है। क्या आपको मालूम है ये विश्व का सबसे ऊंचा अशोक स्तंभ है जो सम्राट अशोक के साम्राज्य की सीमा को दर्शाता है।